हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स विद कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बुक कर रहे हैं एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स है, मतलब कि 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल में पूछे जाते हैं, उन सब को 100 क्वेश्चन टोटल 43 सेट्स अभी तक जितने भी पेपर 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं, 2020 तक की वैकेंसीज आई हुई है जिसका पेपर 2021 तक हुआ है मार्च तक, तो उन सभी के पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे 43, वो भी चैप्टर वाइज। यानी बिल्डिंग मटेरियल्स कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, फिर आपका आपका सोम से, सॉइल से, मैकेनिक्स से, इसके अलावा इरिगेशन, तो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, जो न्यू स्टूडेंट है या जिनके अभी एग्जाम्स जो नवंबर में आपके होने वाले हैं उनके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। तो ये बुक सब लोग परचेज कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी, मतलब क्वेश्चन आपको बायलैंग्वेज मिलेंगे, ऑप्शन इसको बायलैंग्वेज मिल जाएंगे, सोल्यूशन आपको यहाँ पर डिटेल के साथ साथ ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये बुक आपको नज़दीकी स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाएगी, नहीं मिल रही है तो आप हमारी वेबसाइट ycdbook.com या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू इसके ऑर्डर बुक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ई बुक सेक्शन है जिसमें आपको 1000 प्लस ई बुक्स मिलती है, अगर आप लैपटॉप वेब या मोबाइल से स्टडी करते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मोबाइल में जो हमारा एप्लीकेशन रहेगा एंड्रॉयड वर्जन वाला, वो रहेगा YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, जिसमें आपको 1000 प्लस ई बुक्स मिलेगी जिससे ये SSC जेई का है। इसके अलावा बहुत सारे जेई के सिविल इंजीनियरिंग के हमारे पास सॉल्व पेपर्स बुक्स अवेलेबल यहाँ पर रहने वाले हैं। ये सभी जब आप ई बुक परचेज करते हैं, हमारे सब्सक्रिप्शन लेते हैं 299, 399 या 499 का, तो उसमें 1000 प्लस ई बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, इस बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 595 रुपीज़ रहने वाली है और इसमें अभी आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग डिस्काउंट होते हैं, और 688 यानी 688 पेजेस की बुक रहने वाली है, शायद सब्जेक्ट इसमें चैप्टर वाइज भी अवेलेबल रहने वाले हैं। चैनल पर नया है चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको सारी बुक्स का रिव्यू, टॉपर्स इंटरव्यू, एग्जाम गाइडेंस वगैरह मिलती रहती है। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज जो ऑफिशियल है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, उसके लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में एक एक चीज़ करके बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो बुक का यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों एक साथ बनाई गई है, सब्जेक्ट वाइज रहने वाली है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट कौन कौन से मिलने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले SSC जेई का जो सिलेबस होता है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाती है एग्जाम, उसका सिलेबस क्या होगा और कौन कौन से पेपर इसमें के रहने वाले हैं, कितने क्वेश्चन किस पेपर से लिए गए हैं, किस शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका डिटेल सोल्यूशन बताएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल के बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फिर BCMA, मैकेनिक्स, सोम, FM, आपका सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे, रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग, RCT, इसके बाद आपका डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क, इसके अलावा आपका सर्वेइंग वर्ड इरीगेशन, इरीगेशन वर्ड PHA यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज जितने भी SSC के पेपर हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर क्या होता है, यहाँ पे SSC जेई का सिलेबस होगा, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर DV होता है, बाद में आपका सिलेक्शन होता है। तो प्री में आपको 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 100 टेक्निकल, 100 नॉन टेक रहेंगे, मेंस आपको 300 नंबर का होगा, टोटल 500 के मेरिट आपके बनती है, फाइनल मेरिट जो बनती है DV के बाद। इसके बाद क्या है, 300 नंबर ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, 300 नंबर का होता है, 100 नंबर में आपके 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस और 100 नंबर की आपकी जनरल इंजीनियरिंग होने वाली है। यही पेपर आपका अभी नवंबर में है जो 2 घंटे का होने वाला है। इसके बाद आप इसे पेपर फर्स्ट क्रॉस करेंगे तो पेपर सेकंड देंगे, जिसमें 300 नंबर के पेपर होंगे, 2 घंटे का समय होता है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सिलेबस मिल जाएंगे, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, पेपर 1 का रीजनिंग और का सिलेबस ये रहने वाला है, फिर जनरल अवेयरनेस का, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग 2 पार्ट होते हैं, एक आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रहने वाला है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे उसके टॉपिक्स, यहाँ पे डिटेल के साथ मिल जाएगा, ये आप लेकर अपने जहाँ पे पढ़ते हैं उसके निकाल कर अपने मेज के सामने चिपका लीजिएगा, देख लीजिएगा, सर्वे के, सॉइल के, हाइड्रोलिक से, इरीगेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, स्ट्रक्चरल में आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिजाइन और स्टील डिजाइन, 4 सब्जेक्ट आपके स्ट्रक्चरल में आते हैं, बाकी आपके सिविल इंजीनियरिंग में आती है। तो ये आप देख सकते हैं 2 पार्ट में ये चीज़ें रहती है, तो ये सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। पेपर कौन कौन से लिए गए पेपर्स में बता दे रहा हूँ, 43 जो पेपर्स है, कवर पेज में ही लिखा हुआ है आपका 43 पेपर, यहाँ पे देखिए 43 पेपर लिखा हुआ है, ये आपके कौन कौन से रहने वाले वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे SSC जेई 2020 के जो पेपर हुए थे, 2 पेपर 23 मार्च 2021 को हुआ था मॉर्निंग और इवनिंग में, इसके अलावा 2019 का जो पेपर हुआ था
आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 5 पेपर हुए थे, 4 पेपर आपका एक साथ हुआ था, 1 पेपर बिहार में जब हुआ था वो आपका 11 दिसंबर को हुआ था, बाकी आपके अक्टूबर में हुए थे। इसके अलावा 2018 के 3 पेपर हैं, 2017 के यहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ये जिस डेट में एग्जाम हुआ था उसके हैं, ना कि ये वैकेंसी कब आई थी उसके हैं। ये जो डेट लिखी गई है एक्चुअल डेट, ये डेट ऑफ एग्जाम है कि किस डेट को एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये 2016 का पेपर है, 2016 के पेपर मिल जाएंगे। उसका 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 9, 7, 8, 5, 4, ये इतने पेपर सुनाने वाले हैं। सभी में से 100-100 क्वेश्चन लिया गया है, जो लेटेस्ट पेपर होते हैं हुए हैं उसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे हैं। लेकिन शुरू में जब पेपर होता था तो 75 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पेपर में 75 क्वेश्चन मिल जाएंगे, टोटल 4175 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। अब इन्हीं क्वेश्चनों को क्या किया गया, चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। टोटल 43 पेपर यहाँ पे अपले होने वाले हैं। अब क्या है, अब इन्हें चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया। चैप्टर सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल आता है, तो बिल्डिंग मटेरियल से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल के यहाँ पे टॉपिक्स 10 टॉपिक में डिवाइड किया गया है, और एनालिसिस चार्ट यहाँ पे दिया गया है, कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपका यहाँ पे पाई चार्ट भी दिया गया है, तो पाई चार्ट और एनालिसिस चार्ट दोनों यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, कितने क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाला है। अब बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की। पहला क्वेश्चन ये कब पूछा गया है, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी ये क्वेश्चन कब पूछे गए। SSGI के 23 मार्च 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है कि किस द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू इंड्योर अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है, केमिकल रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, वेदरिंग रेजिस्टेंस, आर्द एंड सुख, यानी कि ड्राई एंड रॉट दोनों होता है, तो वेदरिंग रेजिस्टेंट होने वाला है आपका। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यह भी क्वेश्चन आपको इवनिंग शिफ्ट में 23 मार्च को पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको 11 दिसंबर 2020 के जो बिहार स्पेशल हुआ था, बिहार वालों के लिए, क्योंकि उसमें चुनाव चल रहे थे उसके लिए रहने वाला है। फिर लाइम स्टोन इस टाइप अप, ये भी क्वेश्चन 30 दिसंबर को पूछा, 30 अक्टूबर वाले में पूछा गया। टाइप अप प्लूटोनिक रॉक नहीं है, मेटामॉर्फिक नहीं है, सेडिमेंट्री, लाइम स्टोन सेडिमेंट्री होता है, इग्नियस नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। तो जब आप इसके बाद ये भी क्वेश्चन आपके मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, टेस्ट कौन कौन से हैं, ये आपका स्टोन का टेस्ट है, तो स्टोन में टेस्ट कौन कौन से होते हैं, एसिड, कंप्रेसिव, वॉल टेस्ट, हीट टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन पूछा क्या है, चूने के पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट यानी क्या है आपका, केमिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे एसिड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। कंप्रेसिव के लिए संपीडन ज्ञात किया जाता है, कितने तक में टूट जाएगा, वॉल टेस्ट के लिए आपको किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे रहने वाली है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। ये SSGI 2020 के क्वेश्चन है, इसके अलावा 2019 के क्वेश्चन जो रहने वाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। क्वार्टजाइट, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक है। फिर सैंड स्टोन, ये आपका है। मार्बल, ये भी आपका सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। ग्रेनाइट, ये आपका इग्नियस रॉक रहने वाला है, ठीक है। तो इन्हें द्वितीय चट्टान भी कहते हैं, इसका डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपको 2019 के इवनिंग एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी पेपर हुए हैं 43 पेपर्स के 4175 क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पे पूरे डिवाइड किया गया। सॉरी, यहाँ पे आपको अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा संभव ना, क्योंकि IAS के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, वह लाइनर टाइप में होते हैं, बट क्या है, टाइम टेकन होते हैं। आपको इससे मिलाना पड़ेगा, आपको इससे मिलाना, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे आपको देख के मिलाना पड़ता है, सही उत्तर आपको लगाना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। तो इन सब की प्रैक्टिस करके जाइएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगी। तो ये क्वेश्चन अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि IAS के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, लाइम का क्वेश्चन तो रहने वाला है आपका, व्हाट इज एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का ब्लास्टिंग के लिए क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो आपके क्वार्टजाइट में होता है। क्वार्टजाइट कायंत्रित चट्टानों द्वारा प्राप्त किया जाता है, या पत्थर के मौसम, या पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये पेपर आपको सारे चैप्टर वाइज अवेलेबल मिल चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज ये आपके हैं। 595 प्राइस है, प्रिंट प्राइस है, डिस्काउंट के साथ अवेलेबल होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज पे, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो, क्योंकि आपके लिए नई से नई बुक आ चुकी है, और सारी बुक्स का रिव्यू भी हम करते रहते हैं, साथ साथ टॉपर्स गाइडेंस भी मिलती रहती है, कई सारे टॉपर्स आपको देते रहे। उसके अलावा टीचर क्लासेस भी अवेलेबल हो चुकी है आपके, तो इन सब के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और क्या चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइज।